हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग की आवाज़ हो चुकी है और रात अच्छी गई है, मतलब नींद आई अच्छी। पीछे मेरी दादी अम्मा बैठी हुई हैं, मिल लीजिए आप लोग, नमस्ते कह लीजिए, हाथ पैर जोड़ना है जोड़ लीजिए। आप लोग मिस करते हैं मेरी दादी को, तो इस तरीके से थोड़ी तबीयत इनकी ख़राब है इस टाइम चल रही है। मैं सुबह की धूप ले रही हूँ, इसी के लिए तो मैं तरस गई थी। सुबह की ये जो धूप होती है ना, बहुत अच्छी होती है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब जो होता है ना, जैसे क्या बताऊँ, अलग ही मज़ा है इसमें। चाहती तो और नहीं सो सकती थी, लेकिन सुबह का ही उठी हूँ, चीज़ें सुन रही हूँ, मंदिर की आवाज़, गाना जो होता है सब, वो लग रहा है कहीं रामायण बैठा है वो। और अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगी, धनिया लहसुन मिर्च हुई है, मतलब 30 दिन बाद आने के बाद बहुत कुछ चेंज मिल रहा है, तो आपको दिखाऊंगी मैं। ये मेरी मम्मी श्री, उनसे बोला मैंने रहने तो मैं बना देती हूँ, कह रही है नहीं आज बनाने दो, कल से तुम बनाना। मैंने कहा ठीक है। यार सच्ची में गांव का जो ये अलग ही है यार, गांव मस्त है यार सच्ची। लाइट, चेहरे की लाइट देखिए। चलिए मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद। ए ब्रुजो, ब्रुजो, आ ब्रुजो। ब्रुजो का देखत है? हैं? ए ब्रुजैया, ब्रुजो, ब्रुजला आ ब्रुजो, ला ए ब्रुजो। ब्रुजो ब्रुजो अब अच्छा लगा था भाई, ब्रुजो अब निखर गए ठंडी में। बैठा तो यहाँ बना के मैं आ चुकी हूँ, और मैंने ये वाला बहुत दिन बाद, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं उल्टा पहनी हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, तो ये बहुत दिन बाद मैंने टी शर्ट डाला है, नाइट सूट डाला है मतलब कि। और मैंने कहा चलती हूँ कुछ रूटीन चेहरे का फॉलो कर लेती हूँ, यार वैसे भी मैंने ना ध्यान नहीं रखा है वहाँ पे एकदम से, तो मैंने कहा कि रूटीन कुछ फॉलो कर लेती हूँ तो आपको भी दिखा देती हूँ। तो सारे जो भी हैं सब कुछ इसी में पड़ा हुआ है मेरे, तो आपको दिखाती हूँ मेरे बैग में क्या पड़ा हुआ है। तो चलिए, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ तब आपको दिखेगा। कुछ चीज़ें अमेजोन से मैंने ऑर्डर की थी, एक तो ये था पतंजलि का एलोवेरा जेल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सही बताओ तो जो प्रॉब्लम मुझे है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो दाने वाने के पिंपल्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो इसके लिए मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ रात में सोते वक्त और सुबह में भी, जैसे अभी ना मैं यही यूज़ करूँगी। तो ये है, और ये मैंने मंगवाया था अमेजोन से। और हाँ, ये मैंने एक कलोसल का मेबलिन का कलोसल का लाइनर मंगवाया था। और क्या है मेरे बैग में, ये मैंने लोटस का सनस्क्रीन क्रीम मंगवाया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बाहर वहाँ निकलती थी, बैठती थी धूप में, तो इस वजह से ये और ये मंगवाया था। और
ये कलासोल का जो काजल मैंने मंगवाया था, इसको मैंने खोल के यूज कर लिया है, तो ये काफ़ी डार्क होता है, अच्छा होता है, तो आप चाहो तो मंगा सकते हो। डार्क होता है, लाइनर भी आप इससे कर सकते हो। तो मैंने कल का लगाया है, आप देख सकते हो मेरी आँखों में अभी भी पड़ा हुआ है। और कलासल का मैंने 3 प्रोडक्ट मंगाया था, मेबलिंग कलासल का मैंने 3 प्रोडक्ट, ये मस्कारा है, मस्कारा और लाइनर और ये काजल, क्योंकि ये अच्छा होता है। मतलब आप अगर अच्छा यूज़ करना चाहते हो कि जैसे ये मस्कारा यूज़ करने से ना आपकी आँखें अलग ही मतलब पलके दिखेंगी, अच्छा होता है इसका वर्क। और काजल भी डार्क ही, ये लाइनर भी डार्क होता है और काजल भी मैंने यूज़ किया, काजल भी, तो तीनों के रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। मैं आप अगर शादी वादी आ रहा है, पार्टी, आप तो अगर चाह रहे हो लेना तो ले सकते हो। और मेरा फेवरेट लैक्मी का फाउंडेशन, ये मैं मंगाती रहती हूँ। और ये इसका ना मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये इसका थिकनेस देखो आप, ये देखो ऐसे ऐसे है, मतलब कि जैसे मेरा ड्राई स्किन है तो मुझे बहुत ही ना लिक्विड वाला चाहिए होता है। और जो फाउंडेशन एकदम वो होते हैं ना, जैसे आप देख रहे हो ऐसे एकदम, मतलब ना पानी की तरह, और आप यूज़ करोगे ना तो इसको क्रीम की तरह यूज कर सकते हो। ये ना थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बहुत ही ओवर लग रहा है हाथों पे। आप देखो इसे मैं लगा के ऐसे कर दूँ, आप देख सकते हैं, देखिए एकदम, मतलब इसीलिए मुझे पसंद है कि ओवर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन जो पता चलता है ना स्किन पे अच्छा नहीं लगता। और आप क्रीम के तरह भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप रात में यूज़ करो तो डबल कोट यूज़ करो, तो इस वजह से मुझे पसंद भी है और बहुत ही कम रुपए में मिल भी जाता है। ये आई थिंक 150 के लगभग ये मिल भी जाता है। और आप चाहो तो डायरेक्ट अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, या फिर नहीं भी लगा रहे हो अगर नॉर्मल स्किन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे लिए तो मैं हमेशा से मेरा फेवरेट ये रहा है, तो यही है, मैंने यही कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे अपने लिए। ये मेरे पर्स में हमेशा रहते हैं क्योंकि मैं कहीं भी यूज़ करना चाहूँ यूज़ कर लेती हूँ। अरे एक चीज़ ये मैं रखती हूँ अपने पास, तो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया होगा तो ले सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये भी मुझे बहुत पसंद है, आप देख सकते हो इसको यूज़ करने से ना कलर कोई भी नहीं आता, हाँ लाइट आ जाता है थोड़ा सा आपके होठों पे। और इसका खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नेविया का चेरी साइन है ये, तो ये मैं हमेशा कैरी की रहती हूँ, कुछ भी पहनी रहूँ तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। तो यही है कुछ मेरी फेवरेट चीज़ें हैं जो मेरे पर्स में हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ कुछ देर बाद, अभी तो फिलहाल मैं ये हिमालय पतंजलि का एलोवेरा जेल जो कि मैं यूज़ करती हूँ दिन में भी और रात में, तो यूज़ कर लेती हूँ। यार आप अपने स्किन को अच्छा रखना चाहते हो ना, और जैसे आजकल केमिकल वाले चीज़ें आ रही हैं उनसे बचाना चाहते हो ना, तो बस आप यही अप्लाई करो, मैं तो यही कहूँगी, रात में भी दिन में भी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ये पता नहीं नाक पे कैसा अजीब सा हो गया है, इसको लगाने से अलग ही ग्लो आ जाता है चेहरे पे, आप देख रहे हो। मेरा यार हमेशा से दो चीज़ बहुत फेमस रहा है, एक लक्मी का वो फाउंडेशन और एक ये पतंजलि का एलोवेरा जेल, मुझे बहुत पसंद है, पहले भी मैं यूज़ करती थी। और पहले वाले जैसे अब दवाइयों के ऊपर हो गया है ना थोड़ा सा, तो अब रिज़ल्ट मिलता है लेकिन उतना बेहतर नहीं मिलता, लेकिन पहले जब जो रहता था मेरा ना, मैं बस पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती थी ना, स्किन ग्लो करता था कि पूछो मत। तो यही है, आपको दाग हैं या दाने हैं या फिर कटवट के भी निशान है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। यार मेरे ये जो मैं दिल्ली गई ना और मैं ट्रीटमेंट सब कुछ हुआ, मैं वीक भी हुई ना, ये डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, और एक बार जब पड़ जाते हैं ना तो पड़े रहते हैं।
हाथ वाथ कितने पतले हो गए मेरे। कोई नहीं, फिर ठीक हो जाएंगे। एक बार सूखा आता है तो फिर हरियाली भी तो आती है ना। तो चलो इसी के साथ आपको मिलते हैं कुछ देर बाद। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँगी, लेकिन मम्मी बोली कि चलो धूप में थोड़ा सा ना ब्लैंकेट डाल के सोए रहना। मैं हाथों पैरों में उसका सरसों का तेल लगा देती हूँ, जवाइन वाला। तो यहाँ पे मम्मी बुला के ले गई, तो हाथों पैरों में थोड़ा तेल लगा रही थी ताकि ना थोड़ी सी अच्छा हो जाए, मतलब हाथ पैर ठीक हो जाए, कमज़ोर हुए हैं, तो वही मैं लगवा रही थी। एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो पैर में बहुत ज़्यादा है सूजन, फिर भी मैं निकल दी हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं करनी। आज कर लूँगी तो फिर रेस्ट करूँगी, अगर अभी नहीं की तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो लेनी है, उसी के लिए जा रही हूँ जौनपुर, और वहाँ से दवाइयाँ लेके और नारियल पानी, कीवी, कुछ फल फ्रूट भी। तो पता नहीं कैसे लाऊँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेके आना है, ज़रूरी है। ताकत तो नहीं है चलने की, लेकिन करना पड़ेगा। तो चलते हैं जौनपुर। टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहा है टाइम। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपको आगे चल के। और पता नहीं कहाँ बैंड बाजा बज रहा है, आई थिंक कहीं गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ, मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने खाना खा लिया, थोड़ा सा सूजन हो गया है पेट में, और पैरों में भी सूजन हो गया है। कल आने आई थी ना वहाँ से, फ्लाइट से, तो सूजन हो गया था पैरों में, और आज जा रही हूँ और सूजन बढ़ जाएगा। कोई नहीं, ये तो लगे रहेंगे। तो चलते हैं, क्या बताऊँ। मतलब यार, सबको दुख आता है, सब रोते हैं, मेरे को दुख आता है तो मुझे हंसी आती है अपने पे कि कितना कितना कलेजा करना पड़ता है इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए, और मैं फेस करती हूँ हंस हंस के। मम्मी मेरी कह रही है, तुम वीडियो में उस दिन बोली थी कि बहुत है, डॉक्टर बहुत कुछ बोले हैं, कुछ बोला है क्या, कुछ बोला है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसे ही बोल दिया मैंने वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देख ली है तो थोड़ा राहत है उनको। बड़ी मम्मी का कॉल आया था, वही कह रही थी राहत है, अब कह रही हाँ देख के राहत है। वो पूरा दिन मेरे में ही बिजी रहेंगे ना, उनको राहत रहेगा, वो ऐसे रहती तो। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद। यहाँ पे आके जो ऑटो का वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखिए, पीछे शिवालय, पता नहीं पूजा वूजा हो रही थी, सब लोग आ रहे थे, कुछ लोग बाइक से, तो मुझे लगा ऐसा। तो कुछ देर वेट करने के बाद ऑटो आ गया था, और मैं ब्लॉगिंग पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो नारियल पानी लेके, 3-4 नारियल पानी लेके ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑटो मिल गया था मुझे, तो आते टाइम मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो सॉरी। और इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।